छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक शुरू हो चुका है, जहां पर रेत माफियाओं के द्वारा बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। आपको बता दें कि हसु नदी पुल से लगे क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये आप लोग अभी जो खड़े हो यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? लाई हसु नदी में कौन भेजा आप लोगों को? तो इसका रॉयल्टी वगैरह मिलता है, कागज वगैरह कुछ मिल रहा था? अभी नहीं मिल रहा है। ये शमशाद कौन है? सरवटा का। तो फॉरेस्ट वाले कोई नहीं आते हम लोगों को देखने? आते हैं। क्या बोलते हैं? मना किए रहे। आज ही आए तो आज तो मना नहीं किए हैं भाई। पहले रेत घाट स्वीकृत था और इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला हुआ था पहले। अभी का डीआई कमेटी जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देती है वो भंग हो चुकी है, तो उस कारण अभी पानी भी रहता शायद तक। अभी हो सकता है, मेरी जानकारी कब खुला है वहाँ पानी निकालने का। उसके पहले तो पिट पास अगर देते थे और सरपंच के माध्यम से ही पिट पास जारी होता है। अभी जो वर्तमान में परिवहन, अवैध परिवहन हो रहा है, किस प्रकार से है, किसकी इजाजत से है ये? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं। अगर हो रहा होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी का इजाजत नहीं है, है ना। अगर मान लो अगर कहीं भी अगर कर रहा होगा तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। हेलो, नागपुर का। ये कहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं? अभी नदी में। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? रेता भर। तो ये रेता यानी किसके परमिशन से, सरकारी है या फिर क्या? पता नहीं, सरकारी है। तो ये किसके द्वारा यानी आप लोग यानी इसको भर रहे हो रेता को? पता नहीं। कितने दिनों से यानी यहाँ चल रहा है ये? ये आज से। आज से। और कितने सारे ट्रैक्टर में यानी भरा चुका होगा? पता नहीं बता पाऊँगा। सुबह से लगभग आप लोग कितने बार गाड़ी में भर करके निकालते हो रेता? कहाँ एक ही ट्रिप तो लगाए अभी तुरंत।